नमस्कार, मुझे डॉक्टर शुभश्री सामंतराय, इन्फेक्शियस डिजीज कंसल्टेंट एट मणिपाल हॉस्पिटल भुवनेश्वर। सो एंटीबायोटिक्स केते बेले नबा काहेकी नबा, तो गोटे आजिकाली गोटे कनसेप्ट पूरा इवन वर्ल्ड वाइड सबुआडे गोटे ड्राइव हिसाब से चलती, सेटा होचे एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप। ता माने सठिक एंटीबायोटिक सठिक टाइम रे सठिक इंडिकेशन पई सठिक डोज रे एवं सठिक ड्यूरेशन पई दबा। क्या गोटे कॉमन कोल्ड माने श्वास रोग माने किछो गोटे कॉमन कोल्ड हला थंडा ज्वर खास हला सांगे सांगे आमे गले फार्मेसी को एवं सेठी से आमको गोटे एंटीबायोटिक्स धरे देले किबा सी न देले आमे मागुचो कि आमको किछो एंटीबायोटिक्स दियो, किंतु सब बेले सेटा एंटीबायोटिक्स टा इंडिकेटेड कि नबा कथा कि बेसिकली मोस्टली आम जो मैंने 60-70% ऑफ जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है सेटा वायरल होता है, तो से जगह एंटीबायोटिक्स काम करनी। किंतु जदि आम मैंने फार्मेसी नहीं कि ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स नहीं कि आम खाइले तो आमको गोटे फल सैटिस्फैक्शन आस हाँ आम ठीक हो जाए। बेसिकली वायरल इन्फेक्शन इज सेल्फ लिमिटिंग, 5 दिन सेमती मन को मन भल हो। किंतु एंटीबायोटिक्स नवा द्वारा आम बॉडी में किटा एंजाइम्स तैयारी होटा कि फ्यूचर में से सेम एंटीबायोटिक्स जोड़ा कि बहुत सहजरे अवेलेबल है और बहुत बड़ बड़ रोग एगेन्स्ट्रे यूज करहब से आमपाई अकामी हो जाए। तेणु जदि एंटीबायोटिक्स केबे आपनकु दरकार कि नाही तापाई प्रॉपर्ली डॉक्टर रा प्रिस्क्रिप्शन नहीं ही आपण ताकु सेवन करबा उचित। सेमती हेले फ्यूचर रे जो बड़ बड़ रोग अगेन्स्ट्रे रेजिस्टेंस जोड़ा डेवलप करू से आपण प्रोटेक्ट करिपरिबा एवं सिंपल सिंपल एंटीबायोटिक्स को मध्य आमे सेव करिपरिबा आम फ्यूचर यूज पई।